शांतिनगर जीरो रोड निवासी श्रीमती शकुंतला डहाटे ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने साथ हो रही नाइंसाफी के मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। श्रीमती शकुंतला डहाटे ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा है कि 12 जुलाई 2023 को ज्ञानवती मैत्री अजय उर्फ बिट्टू एवं अन्य लोगों ने मेरे घर में जबरन घुसने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा वैशाली नगर थाने में की भी गई, मगर थाने द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब ज्ञानवती मैत्री अजय उर्फ बिट्टू व अन्य लोगों द्वारा मुझे मेरे ही घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर मेरे घर पर अपने नाम का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग महिला ने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार से बयां की। नाम क्या है तुम्हारा? शकुंतला दहाटे। शकुंतला दहाटे, कितने वर्षों से रह रही उस घर? मैं यहाँ पर बेटा करीब 88 मतलब 40 वर्ष हो गए। हाँ, बिजली बिल टैक्स आप ही मेंटेन करते हैं? मेरे नाम से बिजली बिल का मीटर भी मेरे नाम से है और टैक्स भी मेरे नाम का पड़ता है। अभी वर्तमान में आप बता रही हैं 2023 लगने के शुरुआत से ही आपको परेशान किया जा रहा है, कैसा मामला है, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है मेरे यहाँ पर जो आए थे उनका बताऊँ? सब क्या बोल उसका नाम सत्ता सत्ता है और वो मोहम्मद, ये दोनों आए थे। दोनों आए और बोले कि आई वो तो रात को मेरे को 10 बजे फ़ोन करे। मैंने 10 बजे फ़ोन नहीं उठाई, मैं नींद में थी, 9 बजे मैं सो जाती, मेरी एक आदत है। तो 10 बज गए तो मेरे खूब नींद में थी तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं उठाया, नहीं तो मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता बेटा। नहीं चुप रहिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो बताएं। फिर सुबह आई इन लोग, सुबह सुबह 7 बजे से मेरे पास में आए और बोलते हैं कि आई आपके घर की रजिस्टरी हो गई। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, मजाक कर रहे हैं क्या? तो बोलते नहीं आई, सच्ची में बोल रहे हैं, हम लोग सुने हैं आपका वो खसरा नंबर वगैरह सब ये सुन रहे थे तो हम पता चला है, तो हमको पता चला कि कोई अजय बिट्टू करके नाम का है, उसने आपका रजिस्टरी घर का कर लिया किसी दूसरे के नाम पे। हाँ, इस दूसरी महिला के नाम, दूसरे महिला के नाम, महिला उसकी माँ नहीं है, उसकी वो जो महिला उसके पास मामा करके आता है, जो पहले महिला थी ना यहाँ पर, जो मेरी रजिस्ट्री जिसके पूरा प्लाट मैंने अपने नाम पर मतलब खरीदा था, तो वो उसको कोई औलाद नहीं है, समझे, बिना औलाद किए बांझ है मतलब, है ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो तो बोलना पड़ता है, अभी बांझ है। उसकी कोई भतीजी वगैरह थी बोलते हैं, समझे, भतीजा भतीजी थी, उसने उसको इन लोग ने मतलब कैसे गए क्या करे पता कैसे चला इनको, उसको ला के और इन लोग रजिस्ट्री करे, उसका क्या नाम भाई, उसका क्या नाम था धोनी वाला के भतीजी का क्या नाम से रजिस्ट्री उसने करवाई थी। अभी अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, क्योंकि लिए अभी जैसे कि उन लोगों ने अपने नाम कर लिए हैं। हाँ। और क्या किस तरह का आतंक कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? कर रहे हैं, आके ताले तोड़ते हैं। 12 तारीख को एक ताला टूटा हमारे यहाँ पर, समझे, मेरे को सुबह सुबह पता चला, वही बताए तो ताला तोड़े घुस गए। अरे मैं बोली कैसे, 12 तारीख की बात नहीं है वो, 12 तारीख जी, मैं गीता श्याम को है। अच्छा, आप पीड़ित की कौन है? मैं, ये मेरी मम्मी है, माँ है मेरी। जैसे मम्मी उम्र दराज है, ठीक डिटेल से नहीं बता पा रही, आप पूरा मामला समझाएंगी किस तरह का है? जी जी जी, ये मेरी जो मम्मी ने लिया था 88 में, वो 88 से ही काबिज हैं, वो यहीं पे रहते हैं, हमारा सारा चीज़ यहीं हुआ। हमारे फादर हैं एक्सपायर हुए, बड़े ब्रदर हैं, भतीजे हैं, सारे यहीं पे एक्सपायर हुए, सारे पैदाइश जो है सारा यहीं हुआ, मतदान से लेके आप बिजली बिल जितना देखेंगे सारा यहीं का है, है ना। और यहाँ पे हैं सारे मेरे अड़ोसी पड़ोसी का पूरा कोका, जो यहाँ 40 ईयर्स का कम नहीं होता 88 से रहना, हर कोई जानता है हमको। तो फिर ये थोड़े दिन के लिए कहीं कहीं जाती, मतलब बूढ़ी हो गई हैं, उम्र दराज हैं, तो ये कहीं गई थी ऐसे, वैसे वो यहीं रहती हैं, उन्होंने घर का अपना छोड़ना ही नहीं है ना उनका, अपना वो यही है इनका घर, अब वो यहीं रहती हैं। अचानक से गई कहीं पर, तो पता चला कि सेकंड एक पर्सन है सक्सा सैयद करके, अच्छा हाँ, तो उसने बताया कि आई आपकी रजिस्ट्री हो गई है करके,
तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी ये। तो उसके बाद में उसका लिया गया, कंप्लेन वगैरह दर्ज की गई। कहाँ कहाँ कंप्लेन किया आपने? ये वैशाली नगर थाना में, तब यहाँ के TI थे त्रिपाठी, और जो निगम में इनके पैरवी जो कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जज के रूप में तहसीलदारी रहती है, वो मुझे फर्स्ट टाइम पता हुआ इतना, तो मैंने कभी ये नहीं किया। क्षमा यदि थी उस समय वहाँ पर, तब हम जो भी कागज वहाँ देते हैं ना, हमारी कोई सुनवाई होती, तो अगर हमारी सुनवाई नहीं, हम बोलते हैं सामने के पक्ष को बुलाया जाए। आप बताएं ना, बैंक में ट्रांजेक्शन होगा, आपने 57 लाख बोल दिया, बोलने से नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, अंदर से कुछ नहीं हुआ, केवल बातों बातों में इन लोगों ने हवा देखा कि माँ बुजुर्ग हैं और क्या बोलते हैं, अकेली क्या कर लेंगी, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया फ्रॉड तरीके से पूरा मिलके। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी देखिए मैम, अभी ये 12 तारीख को इन लोगों ने तोड़ा फिर से ताला, और मैं तो अपनी बेटी हूँ तो मैं अपने घर से ही आऊँगी ना, माँ रहती हैं, है ना हमारी, तो बताइए ये कभी मार डालें, मर्डर कर दें, है ना। अब हम आए हैं तो हमारे ऊपर भी, अभी रात में ही वो ज्ञान मैत्री मैत्री करके है एक लेडीज़, उसके नाम से उसने करवाया, देखिए यहाँ पे इसने लिखा भी था, तो उसको मिटाया हम लोगों ने। हाँ अच्छा, ये इसका एक बेटा नहीं है, इसका तो बच्चा है ही नहीं, 65 में रहती है सड़क 27 में लेडीज़, इसका बच्चा ही नहीं, तो ये क्या इसके लड़के का काम ही है यहाँ की ज़मीनों को, खाली ज़मीनों को हड़पना, इसका हर जगह इसका यही काम है, फ्रॉड ही है। उसका लड़का है नहीं, इसने कहीं से 3 साल पहले लाया जबलपुर से, वो लड़का भी 27 साल का है, तो इसने क्या किया, मिल के यही काम किया है, और अपनी माँ के नाम पर। अरे माँ भी तुम्हारे को अगर जन्म दिया तो भी समझ में आता है, अरे आज ये दूसरे का हड़प रहा हो, तुमको माँ मान रहा है, तो वो क्या होगा तुम्हारा, मेरे बोलने का मतलब अपने अर्थ है, तो आप समझिए। और फिर ये लेडीज़ आके घर में घुस गई, और देखा तो बैठी हुई है 12 तारीख को ताला तोड़ के, सोचा कि बूढ़ा इंसान क्या करेगा करके, फिर हम लोग सब लोग आए, कंप्लेन वगैरह किया, फिर ये यहाँ निगम में गया हमारा केस, वहाँ पे उसकी सुनवाई वो कर रही थी क्षमा यदि। हम यहाँ पे हमारे वकील के थ्रू दुबे हैं, विनोद दुबे हैं, वो डालते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सुना ही नहीं जाता वहाँ पे हमारा, कुछ पैसे वैसे लोगों ने SP को भी दिया बताया? हाँ मैंने कल दिया, फिर परेशान होकर जब सेकंड टाइम इन लोगों ने यही, कल हम लोग गए थे कलेक्टर में अपने वकील के थ्रू देने के लिए कागजात जो कलेक्टर को, हम वहाँ पे थे और हमको यहाँ पे बताया हमारे वॉचमैन ने कि यहाँ का ताला तोड़ के घुस गए, बताइए कि हम लोग लेडीज से कलेक्ट्रेट में भी दिया है, आप लोगों ने लिखा दिया कलेक्ट्रेट में भी दिया है, इधर कोई आश्वासन मिला है? अब वहाँ से तो खाली उन्होंने रिसीव किया बाय फेस, हाँ तो ना बोला नहीं है उन्होंने, और मैं दे तो दिया, हमने रिसीव कर लिया पावती वहाँ के, उसके बाद में हम उनसे मिले हैं, अधीक्षक जो रहते हैं CSP वहाँ के, शायद सिन्हा जी हैं वो, उन्होंने आश्वासन दिया हमको, SP सलभ सिन्हा, सलभ सिन्हा हाँ सॉरी, तो उनसे मिले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैडम आपकी पैरवी होगी, तब यहाँ पे जाके प्रेशर पड़ा, क्योंकि थाने में कोई सुनवाई नहीं थी, ये फ़ोन ही नहीं उठाते। 12 तारीख को जब ऐसा हुआ है तो हमारे वकील बैठे रहे सवेरे से ले के देर रात फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है वैशाली नगर थाने में बिल्कुल, क्योंकि इसने पूरा पैसा उसका काम ही है बोलना चाहिए बॉटम टू टॉप तक खिलाने का, तो उसको पता है, बड़े निश्चिंत होकर बैठे थे। फिर हमारे वकील के, मैं तो नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी मैं, पटना गई थी, और फिर मेरी मम्मी गई, वकील गए हैं, और फिर वहाँ पे बनाया, तो उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया ज्ञानमती मैत्री रे बिट्टू ने कि जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। शासन प्रशासन से आप चाह क्या रही हैं? प्रशासन हाँ, मेरी माँ की मेरे को सेफ्टी वो दें, और ये जो हमारा घर है, मालिकाना हक है, हाँ, वो क्योंकि हमारे पास पूरे कागजात हैं, पूरे ओरिजिनल पेपर हैं, उतने साल के पूरे, डुप्लीकेसी अगर इन लोगों ने 2022 में किया वो मान्यता नहीं होगी। हमारे जितने मरने जरने जो भी सब हुआ है, हमारे पास सारी एविडेंस है, बिजली का बिल है, हमारा मतदान, सारा चीज़ तो हमारा यहीं से हुआ है, आप ही बताइए ना।